लाइक इफ बैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट देन इट मेंटेन्स इट्स स्टेट करंट स्टेट. इफ बैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स एन ऑब्जेक्ट देन इट मेंटेन्स. तो मेंटेन करता है इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट. मोशन और रेस्ट, जैसे कि मान लीजिए एक टेबल है, तो टेबल पर उसके पाए जमीन में हैं, तो पाए अगर जमीन में हैं देन देयर इज ए वेट एक्टिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास. इस टेबल का कहीं सेंटर है जहाँ से अगर उठाओगे तो टेबल बैलेंस तौर पर उठ जाएगी, बिल्कुल वैसी उठ जाएगी. तो वहाँ पे उसका वेट है जहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास है. और लेकिन ये टेबल मूव तो नहीं कर रही है ऊपर नीचे, तो क्यों नहीं मूव कर रही? तो ज़रूर इसमें कहीं ना कहीं बैलेंस फोर्स एक्टिंग होंगे. तो कौन सा एक्ट है? यानी अर्थ इसको पुश कर रही है. अगर अर्थ पर एक वेट पड़ रहा है, अर्थ पर ये वेट डाल रहा है अपने पाए से, तो दैट इज वेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन ऑल ऑफ इट्स फोर लेग्स. सो देर इज ए नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन इट्स लेग्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. सो दैट ये जो वेट है, इट इज वेट इज इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन. सो दिस इज अ कंडीशन ऑफ बैलेंस फोर्स. हेंस द ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट पर बनाया गया है. वेयर एन क्या है? ये आपकी बुक का 5.2 डायग्राम है, पेज नंबर 92 में. वेयर एन इज नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन. एन नॉर्मल रिएक्शन है. नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है? नॉर्मल रिएक्शन इज अ फोर्स, दैट इज जो एक एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, उसी वर्ड से इसका रिएक्शन नाम आया है, एक्शन रिएक्शन पेयर से. सो विच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. When force is applied on it, तो ये जो है एक state of balanced force है. So this is condition of balanced force. जैसे कि मान लीजिए कि किसी wall पर आपने ऐसे हाथ डाला और हाथ से ऐसे पकड़ा हुआ है इस wall को, ठीक है, ये है और ये है, इस पर यहाँ फोर्स लगा रहे हैं. तो आप ऐसे अगर फोर्स लगा रहे हो किसी वॉल पर, तो किसी वॉल पर जब फोर्स लगाओगे तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी. और आपके फोर्स के दो कंपोनेंट हैं. आपके फोर्स का एक कंपोनेंट जो है वो किधर है? फोर्स के दो कंपोनेंट करो तो क्या एक कंपोनेंट इधर हुआ पैरेललोग्राम लॉ से? क्या अपने वेक्टर को रिजॉल्व कर लोगी? बोलो. मान लो अगर आप ये जो एंगल है ये थीटा लगा रही हो वॉल पर, तो ये कितना हुआ? क्या ये जेड बना रहा है तो ये थीटा हुआ? देख लो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, देख लो. यही चीज आगे बढ़ोगी तो अल्टरनेट नहीं आ जाएगा, जेड. तो एफ का इधर का कंपोनेंट क्या बनेगा? क्या एफ कॉस थीटा? और एफ का इधर का क्या बनेगा? एफ साइन थीटा. बताओ, क्योंकि वॉल मूव नहीं कर रही ना, तुम्हारा हाथ मूव कर रहा है. भले ही हाथ ऊपर नीचे फिसल रहा हो सकता है कि जैसे आप हाथ ऊपर फिसलाने की कोशिश कर रहे हो, तो हो सकता है इसमें नीचे फ्रिक्शनल फोर्स भी लगा हो और नहीं फिसल पाया हाथ. तो क्या एफ कॉस थीटा इज बैलेंस्ड बाई एफ? क्योंकि हाथ ऊपर नीचे फिसल नहीं पा रहा है, रिलेटिव मोशन नहीं हो पा रही है, तो ये इससे बैलेंस्ड हो गया और ये इससे बैलेंस्ड हो गया और बॉडी इज अंडर बैलेंस फोर्स. बोलो, बात समझ में आई? फिर से बता, दोबारा समझो कि मान लीजिए कि अगर आप किसी भी गाड़ी को धक्का दे रहे हैं या इस ब्लॉक को,
और इस ब्लॉक को अगर आप धक्का दे रहे हैं तो ये है, नाउ यू आर ट्राइंग टू पुश दिस वेट, तो आपने फोर्स इधर लगाया। और फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, एक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है जरा देखो, फ्रिक्शन इज, इट इज अ फोर्स एक्टिंग व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टेक्ट एंड इट अपोजेज एनी काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन, इट अपोजेज एनी काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन। सो ये फ्रिक्शन फोर्स, तो मैंने एफ लगाया लेकिन ये चला नहीं है, इसकी कोई वेलोसिटी जीरो है, तो इसका मतलब है हमने जो फोर्स लगाया उसको किसने काउंटरेक्ट कर दिया, द फोर्स वॉज नॉट सफिशियंट, इन इतना सफिशियंट नहीं था कि वो मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ऊपर जा सके। जैसे तुम 2 न्यूटन लगाओगी तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लगेगा, क्या 2 न्यूटन लगेगा? जब आप बढ़ा के इसको बढ़ा के 4 न्यूटन कर दोगी तो व्हेन इट इज़ इंक्रीज टू 4 न्यूटन तो फ्रिक्शन भी 4 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए फ्रिक्शन का मैक्सिमम अमाउंट 4 न्यूटन है, दैट इज़ इफेक्ट एफ मैक्स, और फिर आपने आगे बढ़ा के जैसे ही 4.1 न्यूटन किया फिर आपकी बॉडी 0.1 न्यूटन के अनबैलेंस फोर्स से चलने लगी। तो ये एफ मैक्स है, और जब भी जितना फोर्स लगाओगी फ्रिक्शन फोर्स भी एक स्थिति तक बढ़ता ही चला जाता है, लेकिन अगर आप अपने फोर्स को बढ़ाती चली जाएं तो फ्रिक्शन बढ़ता है आपके फोर्स के साथ साथ, इक्वली बढ़ेगा 45 डिग्री पर, लेकिन एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, फिर उसके बाद फ्रिक्शन और नहीं बढ़ेगा, फ्रिक्शन पर फिर आप फोर्स बढ़ाते चले जाएं, सो योर फोर्स इंक्रीजेज बट फ्रिक्शन डज नॉट इंक्रीज, तो फ्रिक्शन की यही वैल्यू रहेगी, ये वाली वैल्यू, और आपका फोर्स बढ़ता चला जाएगा। समझ में आई बात? तो अगर हम ये भी कह सकते हैं, बल्कि एफ यहाँ लिख लो और ये यहाँ लिख लो तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, एफ है और एफ, तो ये फ्रिक्शन फोर्स इतना ही रहा और आपका फोर्स अब बढ़ता चला गया क्या? अब अगर आप अपने फोर्स को और बढ़ाओगी तो बढ़ता चला गया क्या? देख लो, पहले इतना बढ़ाया फिर बढ़ाते चले जाओ, फ्रिक्शन कांस्टेंट हो गया कि नहीं, एंड योर फोर्स इज कंटिन्यूस टू मूव। तो इस तरीके से वो खैर अलग बात है, लेकिन यहाँ देखो, अब आपने फोर्स लगाया तो फोर्स के मैंने 2 कंपोनेंट किए, एक कंपोनेंट क्या किया ऊपर की ओर, तो क्या ऊपर की ओर का जो कंपोनेंट है मेरा हाथ नहीं फिसला? क्यों नहीं फिसला? क्योंकि जो ऊपर लगने वाला फोर्स था, ठीक है, उसको किसने बैलेंस कर दिया? फ्रिक्शन ने। क्या हमारे ऊपर लगने वाले फोर्स ने फ्रिक्शन की एफ मैक्स लिमिट को क्रॉस नहीं किया था? नहीं किया था, कर दिया होता तो फिसल जाता हाथ। यहाँ इसने 4.1 लगाया तो चल गई कि नहीं बॉडी? नहीं, अभी वाला केस एक दूसरा ले रहे हैं कि नहीं हो रहा है, अगर ठीक है स्लाइड हो रहा है तो कर दिया था, अगर हो रहा है तो कर दिया तो तब तो सही है, समझ में आ गई आपको बात। लेकिन मान लीजिए मैं ऐसी कंडीशन ले रहा हूँ कि सारे फोर्सेस बैलेंस हैं, सो इफ हैंड इज एट रेस्ट, इफ हैंड इज एट रेस्ट, तो कौन सा कंपोनेंट किसके इक्वल करोगी, ऊपर वाले को नीचे के? क्या बताओ? और दूसरा कौन सा पेयर है? एक इधर लग रहा है ये एक्शन फोर्स है, तो क्या ये रिएक्शन फोर्स है? हमने वॉल पे एक्शन लगाया तभी तो इसे रिएक्शन बोलते हैं, और नॉर्मल क्यों कहते हैं? नॉर्मल क्या परपेंडिकुलर को कहते हैं? बताओ। ये जैसे हमने एक एफ फोर्स लगाया अपने हाथ से किसी चीज को, ऐसे हमने धक्का दिया, तो धक्का दिया तो एफ के 2 कंपोनेंट किए कि नहीं, रिजॉल्व किया कि नहीं? एफ किसी के इक्वल नहीं है, एफ के हमने 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट किए, एक ऊपर का और एक, तो एफ तो किसी के इक्वल नहीं, उस डायरेक्शन से कुछ थोड़ी ना आ जाएगा, एफ का इधर का कंपोनेंट इससे बैलेंस हुआ और इधर का कंपोनेंट किससे बैलेंस हुआ, जो इधर फोर्स लग रहा है, क्या वो नॉर्मल रिएक्शन से? क्या दीवार मूव कर गई क्या? तो इसलिए एफ साइन थीटा किसके इक्वल हो गया बताओ? एन के। एन को नॉर्मल रिएक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज ये अगर एक्शन है तो ये क्या है,
रिएक्शन। और नॉर्मल क्यों कहते हैं? नॉर्मल का मतलब समझती हो, है ना? टेंजेंट नॉर्मल तो समझा होगा ना फिगर में, ये टेंजेंट है तो ये नॉर्मल है। बोलो कि बता दें, पता है ना? हाँ, तो अब आपको फ्रिक्शन पता चल गया कि एनी काइंड ऑफ रेजिस्टिव फोर्स विच क्या करता है कि विच डज नॉट अलाउ ये रिलेटिव मोशन, द फोर्स विच ऑफर्स ड्रैग या विच डज नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये बात हमने देख ली। अब जरा आगे की बात देखें, तो हमने आपको बैलेंस फोर्स की एक कंडीशन बताई, बैलेंस फोर्स होता क्या है और चीज़ें कैसे अपनी स्टेट ऑफ मोशन में रहती हैं। अब हम देखेंगे कि दैट इज सम एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया। एक एग्जाम्पल 5.1 भी देखें। An astronaut accidentally gets separated out of a small spaceship accelerating in interstellar space। मान लीजिए कि spaceship है interstellar space में और वो वहाँ move कर रहा है, तो ये एक spaceship है और इसमें से एक astronaut वो चलता चला जा रहा है, तो ये एक astronaut इसमें से निकल आया और निकलने के बाद ये astronaut, ठीक है, अब ये चल रहा है, ठीक है, तो ये अब ये भी चलेगा उसी स्पीड से, जब ये चल रहा है तो ये भी चलेगा, क्योंकि वो एक फ्री फ्रॉम ग्रेविटी स्टेट है। इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब है कि जहाँ ग्रेविटी ना हो। तो एट एन कांस्टेंट रेट ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एक्सीलरेटिंग, यानी इसमें एक्सीलरेशन है, ये आगे बढ़ता चला जा रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस पर फोर्स कौन लगा रहा है? क्या इसका इंजन है? जब प्रोपेलेंट चार्ज की वजह से इसमें एक तरीके का फोर्स लग रहा होगा, कहीं ना कहीं से लग रहा है। लेकिन जब एस्ट्रोनॉट एज सून एज द एस्ट्रोनॉट गेट सेपरेटेड आउट फ्रॉम ईयर देन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। जब तक आप ट्रेन में हो तब तक ट्रेन की स्पीड से एक्सीलरेट करोगी, और मान लो आपने चाय का हुंडा या कप बाहर फेंक दिया, तो वो उसकी अंतिम वेलोसिटी जिससे फेंका गया वो वेलोसिटी तो उसके हाथ में रहेगी। तो ये नहीं कि अगर आपने सिर्फ ड्रॉप भी किया और ट्रेन से, अगर आपने एक हुंडा और ये ट्रेन जा रही है आगे, तो ये जो चीज़ ड्रॉप की गई वो गिरते समय सीधा नहीं गिरेगी, वो उस वेलोसिटी से गिरेगी और एक प्रोजेक्टाइल पाथ बनाएगी, क्योंकि उसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिली थी ना। भले ही ये बस एक्सीलरेट कर रही हो तो बस का एक्सीलरेशन वो नहीं लेगा, लेकिन बस की कौन सी चीज़ ले लेगा? वेलोसिटी ना। सो इट इज़ द लास्ट वेलोसिटी व्हेन इट डिटैचेस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डिटैचेस फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट देन द लास्ट वेलोसिटी इट इज़ picking up and it forgets whatever is the memory in it। यानी अब आगे अगर इस पर acceleration लगाया जाएगा तो वो acceleration इसका नहीं, क्योंकि ये तो detach हो गया ना। detach होने के बाद क्या ये, जैसे बस को accelerate हुआ तो क्या ये हुंडा भी accelerate करेगा? मान लीजिए ये 40 मीटर पर सेकेंड से ये बस जा रही थी और acceleration इसमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का था, लेकिन अगर इसको आपने 40 मीटर पर सेकेंड पर छोड़ा है तो ये जो चीज़ गिरेगी ये अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सिर्फ इसको 40 मीटर पर सेकेंड ये दे दिया जाएगा, फिर इससे गिर जाएगी। सो एज सून एज बॉडी गेट डिटैच फ्रॉम सम अदर बॉडी विच इज़ एक्सीलरेटिंग इट फॉरगेट्स इट्स फोर्स एंड वाट एवर इज द लास्ट वेलोसिटी विद इट इट गेट प्रोजेक्टेड आउट एंड फॉल्स अंडर ग्रेविटी। बोलो बात समझ में आई? छोड़ देने के बाद फिर उसको आगे की वेलोसिटी का कोई हिस्सेदारी नहीं, बस वही अंतिम वेलोसिटी है, ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर भी यही बात कही गई है कि एस्ट्रोनॉट जब बाहर निकल गया तो अब उसके बारे में व्हाट इज़ द एक्सीलरेशन ऑन एस्ट्रोनॉट, तो एक्सीलरेशन इस पर कितना होगा? कुछ नहीं होगा, तो अलग हो गया ना। तो देखो कितना अच्छा सेंटेंस लिखा है, सिंस देयर इज नो नियर बाई स्टार्स, और एक सेटेलाइट में इतनी ग्रेविटी तो होती नहीं कि वो खींच ले उसको, तो कोई बहुत बड़ा मास तो है नहीं कि ये कितने बड़े भारी आदमी को खींच ले, इसलिए इसको जीरो माना जा सकता है। सो वन ही इज़ आउट ऑफ स्पेस शिप, तो क्या होगा? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एस्ट्रोनॉट इज जीरो। वंस एस्ट्रोनॉट इज आउट ऑफ ए स्पेस शिप इज आउट ऑफ स्पेस शिप, तो इस पर क्या होगा?
नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो एज ही इज इन अ स्पेस फ्री फ्रॉम ग्रेविटी. ग्रेविटी सो बात कही गई है कि एज सून एज एन ऑब्जेक्ट लीव्स एक्सिलरेटिंग ऑब्जेक्ट डिटैचेस देन ही देन इट नो मोर एनी फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू दैट एक्सिलरेटिंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये बात है. एंड इट फॉल्स अंडर ग्रेविटी. अब जरा देखो एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सो ये भी कह सकती हो कि एप्लीकेशन ऑफ इनर्शिया कहाँ कहाँ लगता है, या एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया एग्जाम्पल्स भी लिख सकते. इफ हमने आपको वो एग्जाम्पल दिखाया था कि एक अगर 5 रुपए का सिक्का कार्ड पे रख दिया जाए, कार्ड फ्लिप कर दिया जाए तो 5 रुपए का सिक्का अंदर गिर जाता है. बोलो, ऐसा आपने देखा है? बताया तो था ना, दिखाया भी रहा होगा. अब देखो कि अब अगर हम देखें कि नाउ जस्ट एक मिनट, cloth is pulled out from table. So, अब जरा देखो कि ये इनर्शिया का क्या एग्जाम्पल है, जरा इस चीज को देखो. Without hems, plates, cups, utensils, and plates and cups without causing them to fall. Take off their shoes. Step 2. Pick your game's referee. The referee will spin the spinner, call out the moves, and supervise the game. Step 3. Position 2 players on opposite ends. Cloth is pulled out from table. How to pull off the tablecloth trick. Use the property of inertia to pull off this trick without breaking a single plate. You will need a smooth tabletop, a tablecloth without hems, plates, cups, utensils, and plastic dishes. Optional, food and liquid. I'm David Ginn. Welcome to the amazing, astounding, phenomenal tablecloth stunt in which you pull the cloth out from under the dishes, hopefully without breaking any. Now, I like to do this for real, not for comedy, so I use real china plates, the kind that if you drop them on the floor, they break. I've got bowls, plates, cups, and saucers. Would you like a cup of coffee? Well, maybe not. There's one right there. Here, let's put this here. And on the count of three, I'm royalty-free. Stop the music. You know what? Let's make this special. Let's have a special guest in this spot, and that guest is the center of the show. How about right in the center of that plate right here? At least he's not rabbit stew for lunch. Okay, play the music. I'm doing it this time. Are you ready, Harry? On the count of three. One, two, three. Now! My goodness, it worked! तो आपने ये बात देख ली कि अगर टेबल क्लॉथ पुल किया जाए
तो भी वो जो उसके ऊपर के रखे हुए यूटेंसिल्स हैं वो गिरते नहीं हैं। सो इफ अ कारपेट इज बीटन, अगर कारपेट बीट किया जाएगा तो क्या उसके जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो गिर जाते हैं? इफ कारपेट इज बीटन इट्स डस्ट पार्टिकल फॉल्स आउट, क्यों ऐसा होता है बताओ? फॉल डाउन, क्यों ऐसा होता है? हाँ, और यानी कि जब कारपेट है सो कारपेट मूव्स फ्रॉम इट्स प्लेस, हाउ एवर जैसे इसको आपने लाठी से मारा तो ये मूव कर गई, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल शुरू में जहाँ जहाँ थे ड्यू टू इनर्शी ऑफ रेस्ट दे रिमेन एट रेस्ट, क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट पर थे तो इनिशी ऑफ रेस्ट की वजह से वो रहते हैं वहीं पे। वो कहते हैं हम तो नहीं जाते हैं, तुम जाते हो तो जाओ, तो अब वो भारी हैवियर डस्ट पार्टिकल वहीं रह जाते हैं एंड अंडर ग्रेविटी दे फॉल डाउन। सो कार्पेट इज बीटन फॉल डाउन एज डस्ट पार्टिकल्स विच वर इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, क्यों रिमेन्स एट रेस्ट रहते हैं? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया तीन तरीके का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इसके बाद क्या होता है अंडर ग्रेविटी फॉल्स डाउन। दूसरी बात कही गई है इफ अ कार्ड केप्ट ओवर ग्लास इस फ्लिक्ड, उसे फ्लिक किया जाए देन इट फ्लाइज अवे, तो ये उड़ जाता है, बट 5 रुपी क्वाइन केप्ट ओवर इट, गोज इन ग्लास। यानी अगर एक कार्ड है और कार्ड के ऊपर मतलब अगर आपने ग्लास के ऊपर एक कार्ड रख दिया है तो कार्ड तो अगर इसको आप क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर 5 रुपए का क्वाइन है ऐसे रखा हुआ है, और आपने इसको क्या किया दैट इज यू हैव फ्लिक्ड ए कार्ड, तो आप क्लिक करो कार्ड को, ठीक है, एंड इफ यू आर फ्लिकिंग दिस कार्ड देन व्हाट हैपेंस, तो ये इस तरीके से आपने फ्लिक किया तो कार्ड तो उड़ जाएगा, लेकिन जो 5 रुपए का कॉइन है वो क्या होगा, क्या वो अंदर चला जाएगा? तो ये कार्ड उड़ गया, ऐसा होता है कि नहीं? सो व्हाई इट इज हैपनिंग बताओ। व्हाट इज द रीजन इट हैपेंस? हाँ बोलो। हाँ, एंड एज सून एज इट लूजेज इट्स बेस अंडर ग्रेविटी, सो व्हेन कार्ड इज फ्लिक्ड देन कार्ड फ्लाइज अवे बट हैवियर क्वाइन, ठीक है, विच वॉज एट रेस्ट, ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू या तो पूरा भी लिख सकती हो कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट या सिर्फ इनर्शिया, रिमेन्स एट रेस्ट एंड एज सून एज, जैसे ही वो क्या करता है सी ये सून एज इट लूजेस इट्स बेस, कार्ड तो चला गया अंडर ग्रेविटी,
goes inside glass, if branches are vigorously shaken, a tree, so tree is vigorously, चाहे शर वो बहुत बड़ा पेड़ तो नहीं ला सकते हो, so vigorously shaken, then fruits fall down, तो falling of fruits by shaking branches. Now, अब हम देखेंगे कि ऐसा होता है. ये देखो, पेड़ को हिलाया जा रहा है, एक मशीन है वो इसको हिला के रख देगी, पूरा हिला रही है. अब फ्रूट गिरते दिख रहे हैं, देखो कितनी तेज हिल रहा है, अब फ्रूट गिर रहे हैं इसमें, ठीक है. तो सारे फ्रूट गिर गए, अब इसको कलेक्ट कर लिया, जमीन में एक भी नहीं गिरा. और फिर इसके बाद जब ये कलेक्ट हो गया, क्या ये सारा इसमें डाल दिया जाएगा, ट्रक में? ये देखो गिर रहे हैं फ्रूट, बोलो. समझ में आया कि ऐसे होता है, किया जाता है, कि नीचे अम्ब्रेला शेप में कलेक्टर लगा लिया गया है, और ऊपर से अगर आपने ब्रांच हिलाई तो सारे फ्रूट गिर गए. बड़े बड़े जगहों पे एक एक फ्रूट नहीं तोड़े जाते हैं, मशीन्स होती हैं इनको तोड़ने के लिए, और वो ऐसा करते हैं. सो अगर मान लीजिए कि किसी ट्री में, नाउ दिस इज ट्री एंड वन ऑफ द ब्रांच इज बियरिंग फ्रूट, तो एक ब्रांच में एक हैवियर फ्रूट लगा हुआ है, और भी ट्री है और इसमें ये है, बट इसमें हैवियर फ्रूट है. एंड इफ इट इज शेकन, तो अगर मैं इसे शेक करूँ तो क्या होगा? सो इफ देन फ्रूट्स फॉल डाउन, इट इज ड्यू टू द रीजन दैट ब्रांचेस मूव. Branches move from their place, from their place, while heavier fruit which was earlier at rest remains at rest. Inertia word जरूर लगाना, due to inertia and inertia की वजह से वो rest पे रहता है, and get detached from branch, और फिर अंत में क्या होता है, अगर ये branch अपनी जगह से हट गई और fruit यहीं रहा, तो फिर क्या होगा? fruit यहीं रहा, branch हट गई, and get detached from branch, एंड वो डिटैच हो जाता है. एंड फ्रूट क्या होता है कि अंडर ग्रेविटी फॉल्स डाउन, तो एंड फ्रूट फॉल्स डाउन अंडर ग्रेविटी, तो ये गिर जाता है. सिमिलर इज द केस इफ ट्री इज विग्रेसली शेकन देन लीव्स फॉल डाउन. लीव भी ऐसे ही होती हैं, जो लूज लीव्स होती हैं वो गिर जाती हैं. नेक्स्ट इज व्हेन वी हिट द बेस क्वाइन विद स्ट्राइकर, इफ क्वाइंस आर स्टैक्ड एट सेंटर ऑफ कैरम बोर्ड, इफ क्वाइंस आर स्टैक्ड, अगर उनकी ढेरी लगाई हो एट सेंटर ऑफ कैरम बोर्ड एंड हिट बाय स्ट्राइकर,
देन बेस क्वाइन, जो बेस की क्वाइन है, गेट डिस्प्लेस्ड, वो वाली डिस्प्लेस हो जाएगी. वाइल अदर क्वाइंस ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट remain at rest and just descend at the same place without getting any disturbance in state, and just under gravity descends का मतलब उतरती हैं at center and remain stacked, उनकी ढेरी बनी रहती. बात समझ में आ गई कि बहुत सारी गोटियां सेंटर में रखी हुई, स्ट्राइकर से मारो तो गड्डी बनी रहती है कि नहीं? कई बार बताओ, आवाज नहीं आ रही है. अभी हम देखते हैं क्या है. वो इस तरीके से ना, ये बात है. नेक्स्ट इज, ऐसा हम और भी देख सकते हैं कि व्हेन अ बस एट रेस्ट सडनली मूव्स, देन द पैसेंजर्स सिटिंग इन बस, जैसे कि एक बस है और अगर वो मूव कर जाए, तो मूव करने पर तो बस में कुछ पैसेंजर्स हैं, तो जो पैसेंजर है वो इसमें ऐसे बैठा हुआ है, इस तरीके से बैठा है. सो ये आगे चल गई. देन द पैसेंजर सिटिंग इन बस, ऐसा होता है, फॉल बैकवर्ड, वो पीछे गिर जाते हैं. इट इज ड्यू टू द रीजन दैट आवर लोअर बॉडी विच इज इन contact with seat under friction, friction भी है ना, तो वो नीचे वाला portion move नहीं कर पाता friction की वजह से, under friction उसे move करना ही पड़ेगा. moves along with bus but our अपर बॉडी या अपर पोर्शन विच वॉज इनिशियली एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया. कभी ना भूलना, ड्यू टू इनर्शिया. तो ये तो चल गया नीचे का पोर्शन, लेकिन ये तो रेस्ट में रहा. अब कोई चीज है, कह दो जैसे नीचे वाला पोर्शन, इसे कह दो तुम चलो, वो तो चल लेगा क्योंकि वो उसके चिपका हुआ है फ्रिक्शन से. लेकिन ऊपर वाला कहता हम तो नहीं जाते, तुम जा रहे तो जाओ, तो पीछे गिरेंगे कि नहीं? ये हम बैठे हैं, बस चली, नीचे का पोर्शन चल दिया और ऊपर वाला नहीं चला, तो ये माना जाएगा कि नहीं हम पीछे गिर गए? रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया. आई थिंक लेट मी रिकनेक्ट. अभी आवाज आ रही है? हाँ, हमारे यहाँ से कनेक्शन की प्रॉब्लम थी. बात समझ में आ गई क्या? रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया एंड फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन.
when moving bus suddenly stops, then our lower portion, which is in contact with bus, ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी रहता है सीट में, ठीक है, कम्स इमीडिएटली एट रेस्ट, कम्स एट रेस्ट, क्योंकि बस रुक गई है ना. बट आवर अपर पोर्शन, क्योंकि बस चल रही थी तो हमारा ऊपर पोर्शन क्या चलता रहेगा? क्या ये इनर्शिया ऑफ मोशन है? अवर अपर पोर्शन कंटिन्यू टू मूव अहेड. कभी ऐसा हुआ है कि पापा ने झटके से कार रोक दी और आप आगे गिरी हो? हुआ है कि नहीं हुआ आपके साथ? मूव, तो मूव अहेड, क्योंकि ऊपर का पोर्शन चलता रहा ना, और कार रुक गई तो नीचे का पोर्शन हमारा बॉडी के साथ जो कार के साथ है रेस्ट में आ गया. तो ऊपर चलते रहोगे तो आगे की सीट पे हिट कर जाएगा सर. तो अपर पोर्शन कंटिन्यू टू मूव अहेड एंड वी फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. ये व्हाई इट इज एडवाइज्ड टू टाई द लगेज केप्ट ओवर रूफ ऑफ बस. अगर बस के रूफ पे कुछ लगेज है, कुछ बक्से हैं इस तरीके से है, तो इनको क्यों कहा जाता है कि बांध के रखो इस तरीके से कुछ भी है? तो व्हाई इट इज एडवाइज टू टाई देम, ऐसे स्ट्रैपिंग क्यों लगाई जाती है? इट इज एडवाइज्ड टू टाई लगेज kept at roof of bus as if bus suddenly stops, then luggage has a tendency to keep on moving in forward direction, then luggage has a tendency. सो टेंडेंसी की उसकी क्या प्रवृत्ति है? टेंडेंसी टू कीप मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ऐसा क्यों है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन. एंड likely to fall in front of bus. And if bus suddenly starts, तो क्या होगा? Then क्योंकि वो iron iron के हैं तो उतना friction तो होता नहीं. iron की bus और iron का luggage भी है. So the bus suddenly starts, then luggage has a tendency to remain at rest. Due to inertia of rest, वो नहीं चलेंगे, कहेंगे हम तो नहीं चलते. बस कहेंगे तुम जाओ, हम नहीं जा रहे आगे. बस चली गई, वो कहते हम तो नहीं जाते. So tendency to remain at rest due to inertia of rest. और इसकी वजह से क्या होगा? वो नहीं जाएंगे लगे जब बस चली जाएगी. And likely to fall in backward direction. तो इनर्शिया समझ में आ गई बात आपको? कैसे कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या इसका हम क्या एप्लीकेशन देखते हैं? समझ में आ गई ना बात आपको? यस सर. अच्छा, अब देखो कि देयर इज
फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बारे में भी अब यहाँ थोड़ा सा देखना है, तब फिर हम आगे बढ़ें. सो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? फ्रिक्शन द फोर्स विच अपोजेज, अपोज करता है, लेकिन चीजें तब भी तो मूव करती हैं. एनी काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टेक्ट, इन कॉन्टेक्ट, उसे क्या कहेंगे? इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. द फोर्स विच अपोजेज एनी काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? इज कॉल्ड फ्रिक्शन. It is denoted by F. And ये denote by F होता है, ठीक है? और क्या होता है कि it is denoted by F. And force है तो its unit is क्या है? Newton. So when any object is pushed or pulled, then a necessary minimum amount of force is needed to make it move. If any object is at rest, then a necessary minimum amount of push force, फोर्स कुछ भी हो सकता है, आप पुश करें या पुल करें, इज नीडेड टू मेक इट मूव. जो प्रिंसिपल के सामने की टेबल है, तुम धक्का दोगे तो क्या हिला ले जाओगे? नहीं हिला सकती, उसमें इतना भारी होती है, सो नहीं हिल सकती है. मेक इट मूव, बहुत ही ज्यादा धक्का दोगे तब शायद थोड़ी हिला पाओ. सो इट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. इसे क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि द मैक्सिमम, ये जितना मिनिमम फोर्स चाहिए किसी चीज को मूव करने के लिए, उसको क्या कहेंगे? लिमिटिंग. सो अगर इफ फोर्स इज इंक्रीज, देन फ्रिक्शन इज ऑल्सो इंक्रीज इन सिमिलर अमाउंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन. फ्रिक्शन कभी भी ज्यादा नहीं होगा. अगर मान लो आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर आपने फोर्स लगाया, तो ये आप अप्लाइड फोर्स है और ये एक्टिंग फ्रिक्शन. सो एक्टिंग फ्रिक्शन क्या है? ये एक तरीके का रिएक्शन फोर्स होता है. ये एक्शन एंड रिएक्शन पेयर भी है. तो इसमें जो एक्टिंग फ्रिक्शन है, तो अगर आपने 0.1 लगाया तो इसमें भी 0.1 लगेगा, बट वो माइनस में लगेगा अपोजिट में. तो आप धीरे धीरे बढ़ाते जाओ. फिर आपने कहा नहीं हम तो और लगाएंगे, तो अब आपने मान लीजिए 1 न्यूटन लगाया, तो ये भी 1 न्यूटन ही लगेगा, क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट नो मूवमेंट और रिजल्ट क्या है? रेस्ट. ये क्या है? रेस्ट, अभी नहीं मूव कर रही है. 2 न्यूटन आपने कहा नहीं और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि चल नहीं रही है, फिर भी रेस्ट पर है. लेकिन अब आपने जैसे ही 2.1 न्यूटन लगाया, तो ये 2 न्यूटन पर रुक गई. तो अब ये मूविंग, अब ये मूव करने लगी, और सिर्फ मूव ही नहीं करने लगी, एंड एक्सीलरेटिंग. अब क्या करने लगी? एक्सीलरेट करने लगी. तो इसका मतलब है कि ये इसका मैक्सिमम लिमिट है. इससे ज्यादा ये नहीं गई, बढ़ी तो, बट लेकिन इसकी मैक्सिमम लिमिट है. तो फ्रिक्शनल फोर्स जो ज्यादा होता है उसको कहते हैं एफ मैक्स. एफ मैक्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, यही कह सकते हो, द फ्रिक्शनल फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट. जरा एक चीज और पढ़ लें फिर हम आगे बढ़ें. इम्पेंडिंग मोशन, इफ फोर्स इज अप्लाइड एंड ऑब्जेक्ट does not move, then that motion
मोशन तब भी कह रहे हैं उसको, दैट मोशन विच वॉज पॉसिबल इफ देयर वुड बी नो फ्रिक्शन, यदि फ्रिक्शन ना होता तो क्या वो चीज चल ना जाती? फ्रिक्शन के होने की वजह से नहीं चल पाई, तो वो मोशन जो पेंडिंग है, इफ देयर वुड नॉट बी एनी फ्रिक्शन देन एनी काइंड ऑफ मिनिमम फोर्स कैन मैनेज ए ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टू मूव. सो द मोशन विच हैज नॉट टेकन प्लेस ड्यू टू फ्रिक्शन इज कॉल्ड इम्पेंडिंग मोशन. बताओ समझ आई बात की नहीं? ऑब्जेक्ट डस नॉट मूव देन दैट मोशन विच हैज नॉट टेकन प्लेस. Due to friction acting between surfaces in contact, is called impending motion. The motion which would have taken place if there would be no friction is called impending motion. The motion which would have taken place. तो जो हमने फोर्स लगाया है वो एफ मैक्स से लेस है, यानी यही कंडीशन है, और एफ मैक्स के इक्वल भी है तो भी इक्वल ही रहेगा. अब इसके आगे लगाओगे तभी बढ़ेगा. समझ आई बात कि नहीं? इससे ऊपर लगा दोगे तब तो चली देगी, तब कहाँ इम्पेंडिंग मोशन रहा? द मोशन विच वुड हैव टेकन प्लेस इफ देयर वुड नॉट बी एनी फ्रिक्शन, अगर वहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं रहा होता. दो बार वुड नहीं आएगा, देयर हैड नॉट बी एनी फ्रिक्शन. Is called impending motion. It is a situation when applied force is lesser than the limiting friction. ये कब की सिचुएशन है? When applied force is lesser than limiting friction. सही बात कहती हो. It is a situation when applied force is lesser than the limiting friction. ये तो बात हो गई limiting friction. अब friction क्या है? Which opposes any kind of relative motion between two. लेकिन फिर भी object चलता है तो भी तो एक frictional force लगता है. तो friction दो तरीके का है. Friction कौन कौन से तरीके का है? एक static friction और एक कौन सा है? Kinetic friction. अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ पर कोई भी फोर्स नहीं लगाती हैं तो भी क्या कोई उस पर फ्रिक्शन लगेगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में? कि नहीं लगेगा? बोलो. हाँ, क्योंकि लग जाता उल्टा तो उल्टी ना चल देती. बोलो. ऐसे अगर उल्टा लगने लगे आप नहीं लगानी तब तो वो अनबैलेंस फोर्स होगा, फिर उल्टी भागने लग जाएगी. और इधर से अगर फोर्स लगाओगी तो इधर भागेगी, और उधर से करोगी तो उधर, यानी आपके आपके फोर्स के पॉजिटिव फ्रिक्शन रहेगा. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज एट रेस्ट देन व्हाट एवर फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन इट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. कुछ चीजें हम और भी आपको बताना चाहते हैं कि मान लीजिए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स बढ़ाया तो फ्रिक्शन बढ़ गया. अच्छा, फ्रिक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू तक चलेगा, वो वैल्यू क्या कहलाएगी? क्या एफ मैक्स? अच्छा, अब ये देखो, इसके बाद अगर इसके आगे आपने फोर्स लगाया तो इसका फ्रिक्शन सडनली गिर जाता है और फिर उसके बाद उतना ही रहता है, यानी ये अब काइनेटिक फ्रिक्शन है. अगर एक बार किसी चीज को चला दो तो क्या चलाए रखना आसान होता है, क्योंकि आपने उसके बॉन्ड तोड़ दिए दोनों सरफेसेस के बीच. बोलो. तो वो चीज होती है काइनेटिक फ्रिक्शन, तो इसे कहते हैं एफ के. और ये जो है बाकी ये एफ एस है, यहां से यहां तक जो वैल्यू है ये किसकी थी? क्या ये एफ एस की थी?
और ये जो था मतलब एफ एस मैक्स था क्या, समझ में आई? तो व्हेन ऑब्जेक्ट एफ मैक्स ही एफ एस मैक्स है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन एंड फोर्स इज अप्लाइड देन ऑब्जेक्ट इज अंडर स्टैटिक फ्रिक्शन. रेस्ट एंड फोर्स इज अप्लाइड देन ऑब्जेक्ट इज अंडर स्टैटिक फ्रिक्शन. इट इज ए केस ऑफ बैलेंस्ड फोर्स. यानी एफ इज इक्वल्स टू एफ एस कब तक ये साथ रहेगा? इफ एफ इज लेस देन और एफ एस, यहां तक साथ रहेगा. यहां तक ये कंडीशन फॉलो होगी तब वो बैलेंस फोर्स है वो चलेगी नहीं एंड ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट. बोलो. इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ठीक है, इफ रिलेटिव टू अदर ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्ट, इफ वन ऑब्जेक्ट इज मूविंग रिलेटिव टू अदर ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्ट देन ऑल्सो a kind of friction is acting between two objects. वो similar kind के भी हो सकते हैं या surfaces. So between two surfaces वो उसे क्या कहेंगे? It is called kinetic friction. काइनेटिक फ्रिक्शन को एफ के कहा जाता है. इट्स वैल्यू इज लेसर देन, ये किससे कम होती है? एफ एस से. तो एफ एस से नहीं, एफ एस मैक्स से. एफ एस मैक्स यानी हमेशा जो एफ के है ये कमी होगा एफ एस मैक्स से. पूरा लिमिटिंग के बाद फिर बॉन्ड जब टूट गए फिर आराम से चलाते रहो, फिर रुक गई तो फिर मुश्किल. ये हाउएवर अगर मान लीजिए आप ऐसा केस है इफ योर आपका फिर चलाने लग गए और आपने फोर्स बड़ा कर दिया तो इफ योर फोर्स इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन देन बॉडी विल एक्सीलरेट एंड इफ योर फोर्स इज मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन चल रही है तो रिटार्ड होकर रुक भी जाएगी. समझ में आई बात की नहीं? क्योंकि एफ के तो वो जो भी चीज है वो हम आगे देख लेंगे कि क्या कंडीशन है उस पे काइनेटिक चल रही है तो एफ के लग रहा है. द वैल्यू ऑफ एफ के इज फिक्स्ड, इट इज नॉट वेरिंग. एफ एस बदलती है लेकिन एफ के कभी भी नहीं बदलती है. अगर चाहे ऑब्जेक्ट तेज चल रहा हो या धीमे चल रहा हो एफ के कभी नहीं बदलेगा. बात समझ में आई? वेदर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में हो, एक्सीलेटिंग हो या कुछ भी हो, एफ के की फिक्स वैल्यू होती है. सो वेदर ऑब्जेक्ट is moving with constant speed retarding or accelerating or accelerating fk remains constant for a pair of surface. जो सरफेसेस हैं उनके लिए कांस्टेंट है, बदलती नहीं है. अब जरा देखो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन मास एंड नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट. किस पर डिपेंड करता है? बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं. फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन मास एंड किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट पर. इन दोनों चीजों पर डिपेंड करेगा. जैसे कि एक ऑब्जेक्ट ये है और इसका मास एम है तो इस पर नीचे की ओर वेट कितना लगेगा? एम जी.
और ये टू सरफेसेस हैं। सो अगर वो ये सरफेस है और ये दूसरी सरफेस है जिस पर ये रखा है, सो इनके बीच में एक वैल्यू होगी, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि जो फ्रिक्शन फोर्स है ये किसके इक्वल है, दैट इट इज़ प्रपोर्शनल टू एम जी, इसके वेट। और फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स वैसे अगर हमने यहाँ फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स इधर है, लेकिन फिर भी मास ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, सो इट इज़ प्रपोर्शनल टू एम जी। और इसके बीच में एक तरीके का जो पेयर ऑफ बॉडीज हैं उसके बीच में, उस पर भी तो डिपेंड करेगा, मास पे ही थोड़ी ना डिपेंड करेगा। रबर रबर को खींचोगी तो मुश्किल है, और मेटल मेटल को करोगे आसानी से सरक जाएगा। इट इज म्यू एम जी, जहाँ म्यू क्या है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, वेयर म्यू क्या है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। ये अच्छा, ये एम जी जो है, जैसे एम जी लगा तो एम जी के अपोजिट में क्या नॉर्मल रिएक्शन लगी, बताओ। तो ये भी कहा जा सकता है कि एम जी के भी इक्वल है, मान लो अगर आपने हॉरिजेंटली चलाया, और यहाँ पर बेहतर ये होगा इन केस, तो फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू एन, किसके इक्वल होगा, म्यू एन। म्यू क्या है बताइए, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। एन क्या है, वेयर, अभी हम सबको डिफाइन करते हैं। म्यू क्या है, क्या कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है, विच डिपेंड्स ऑन, नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट, कभी 0.2 होती है, कभी 0.5 होती है, ऐसे ही होती है इसकी वैल्यू, नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। एंड एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, एन क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन। अब जरा देखो कि मान लीजिए कि कभी भी कोई चीज जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो दो तरीके से हो सकता है, एफ एस क्या होगा, क्या म्यू एस एन, और एफ के क्या होगा, क्या म्यू के एन। सो इट इज द कोफिशियंट ऑफ स्टेटिक फ्रिक्शन। म्यू एस क्या है, जब रुकी है तब स्टेट, तब फ्रिक्शन का क्या कोफिशियंट है, कोफिशियंट ऑफ स्टेटिक फ्रिक्शन। और ये क्या है, म्यू के क्या है, क्या कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। जरा इस चीज को समझें, ये क्या चीज कहना चाहता है। मान लीजिए आप किसी प्लैंक को उठाती रहीं, और उठाते उठाते एक ऐसी स्थिति आ गई कि इसके ऊपर रखा हुआ एक ये ब्लॉक है, ये नीचे गिरने लगा, अभी तक नहीं गिरा था। तो इसे हम देखें कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कि इस पर क्या नीचे एम जी लग रहा है, वेट लग रहा है, ये थीटा है, और अभी ये चीज चली नहीं है, ये इम्पेंडिंग मोशन में है, इट इज इम्पेंडिंग मोशन। हाँ, अब ये थीटा लिमिटिंग वैल्यू, इसके बाद चल जाएगा। इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगी, इधर लगेगी नॉर्मल रिएक्शन, लगेगी कि नहीं, परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट जहाँ कांटेक्ट में, मान लो इधर कर रही है तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। एम जी अगर इधर है तो क्या इसके दो कंपोनेंट होंगे, लगाओ पैरेललोग्राम लॉ, वो लगाया ना, पैरेललोग्राम बन रहा है कि नहीं, अच्छा बना, ये है एम जी। अच्छा ये थीटा तो कौन सा थीटा, जरा चेक तो करो, मान लो ये थीटा, तो दैट इज इक्वल्स टू, आप इसे मिला लो तो क्या ये 90 माइनस थीटा, ये सब करस्पॉन्डिंग एंगल ही तो हैं, ये थीटा तो ये कितना, 90 माइनस थीटा तो ये कितना, चेक कर लो, दिख रहा है ना, तो ये चीज थीटा लिख दी, तो इधर एम जी का कौन सा कंपोनेंट हुआ, बोला करो, कॉस थीटा नहीं लगाओगे, थीटा की ओर,
बोलो, आवाज आ रही है? तो हाँ नहीं तो बोलो, एम जी इधर, ये थीटा है, और नहीं आ रही तो फिर से पूछो, ये एम जी है नीचे, तो इधर थीटा की और क्या कंपोनेंट आएगा इसका? एम जी कॉस थीटा आएगा कि नहीं किसी भी तरफ? और दूसरी तरफ क्या आएगा? तो इट इज एम जी साइन थीटा। अच्छा, ये जब चीज नीचे गिरने चाहती है तो इस पर फ्रिक्शन किधर लग रहा है? क्या इधर? नीचे जाना चाहती है ना, नीचे फोर्स लग रहा है। क्या ये ग्रेविटी का एक कंपोनेंट इधर लग रहा है? वेट का एक कंपोनेंट इधर लग रहा है जो इसे नीचे गिरा देगा? बॉल को तिरछा रखो तो गिरती नहीं है। या कोई भी चीज़ है, आप एक हाथ पे ऐसे पेन रखो, धीरे धीरे ऊपर उठाते जाओ तो गिरने की कोशिश तो करेगा ना, और कभी ना कभी गिर भी जाएगा। तो ये है, लेकिन अभी ये गिरने वाली है, तो क्या यही चीज जो है, यही अभी जब ये गिरने वाली है तो क्या ये एफ एस मैक्स है क्या? क्योंकि अब तो जस्ट अगले सेकंड ये गिर जाएगी, बताओ। तो एफ एस मैक्स ये है, ये किसके इक्वल है? क्या एम जी साइन थीटा के इक्वल है? इक्वल है ना, गिर नहीं रही है ना। अच्छा, क्या एम जी कॉस थीटा एन के इक्वल है? अच्छी बात है, क्योंकि वहां भी कोई परपेंडिकुलर मोमेंट नहीं हो रहा। क्या इनको डिवाइड कर दें? तो एफ एस मैक्स बाई एफ एस मैक्स बाई एन क्या होता है? एफ एस मैक्स अपॉन एन, क्या ये टेन थीटा आ गया? बताओ। और ये क्या, ये म्यू एस एन, ऐसा आपने पढ़ा है पहले? अभी ऊपर बताया ना, एफ एस क्या होता है? क्योंकि एनी फ्रिक्शन फोर्स इज द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट। यानी फ्रिक्शन अगर है किसी चीज पर, तो फ्रिक्शन फोर्स दो चीज पे डिपेंड करेगा। एक तो उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितनी लग रही है, वो नॉर्मल रिएक्शन कैसी भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट ऐसे गिर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन इधर होगी, नॉर्मली होगी सरफेस के जो कॉन्टेक्ट में है। और फ्रिक्शन फोर्स ये है, और वो जो पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से निकाली जाएगी। तो हमने ये एन एन कट कर दिया, तो क्यों म्यू एस किसके इक्वल हो गया? क्या टेन थीटा? बोलो। जनरली 45 पे कोई चीज गिर जाती है, 50 पे गिरेगी, तो जो म्यू एस की वैल्यू है क्या 1 के आसपास होगी? कोई कोई तो चीज ऐसी होती है कि 20 डिग्री करो तो ही फिसल जाती है, तो म्यू एस की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। 45 से कम पे गिर रही है तो म्यू एस की वैल्यू कम हो जाएगी कि नहीं? अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो क्वेश्चन निकालो जहां पे ये क्वेश्चन दिया गया है। सो लेट अस कम टू दैट क्वेश्चन नाउ। यहां पे आ जाइए आप, क्वेश्चन एग्जांपल 5.8 पे आओ, पेज नंबर 102 पे। बोलो, समझ में आ गई बात कि tan थीटा इज ओनली म्यू एस, और वो कितने पे गिरी है, थीटा कितना दिया है? बताओ, पेज नंबर निकालो 102, एग्जाम्पल 5.8। एग्जाम्पल 5.8, तो आपने देखा एग्जाम्पल 5.8 में कि थीटा कितना दिया है, 15 डिग्री। तो मैं अब इसमें रख दूं कि 15 डिग्री ही वो मैक्सिमम है थीटा जिस पर ये गिर रही है, तो म्यू एस कितना हो जाएगा? टेन 15 डिग्री, 15 डिग्री की वैल्यू बताओ जरा देख के अपने लॉग टेबल से, नेचुरल टेंजेंट। जीरो पॉइंट टू सिक्स सेवन नाइन। अच्छी
अच्छी बात कही है, 0.2679 है, तो क्या कर दें इसको, बुक के आंसर से मिला देते हैं, 0.27 कहता है, सो इट इज नियरली 0.27। बोलो समझ में आया कि फिर से बता दें एक बार? चलो फिर से समझो। वो कह रहा है कि हम अगर एक इस प्लैंक को तिरछा करते जाए, ये प्लैंक है, तो दिस इज प्लैंक, तो इसके ऊपर रखी हुई चीज एक ऐसा थीटा मैक्सिमम है जिसपे गिर जाती है, वो थीटा मैक्स क्या है? 15 डिग्री। अच्छा, इस चीज पर मास किधर लग रहा है? ये वेट नीचे लग रहा है, और नीचे लग रहा है, लेकिन कोई भी चीज जब कांटेक्ट पे होती है तो वेट को सेंटर से बनाया करो, और नॉर्मल रिएक्शन को कहाँ से बनाया करो? बेस से। क्या? अच्छा, अब जरा देखो इस पर सरफेस पे फ्रिक्शन बनाया करो, बीच से फ्रिक्शन ना निकाला करो। बोलो समझ में आई बात? और फोर्स बीच से बनाया करो, यहीं से कंपोनेंट निकालो इसका, लेकिन इस बात का ध्यान रखना परपेंडिकुलर तक ही रह जाना, क्योंकि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को ना भंग करना ये है। अब इसके दो कंपोनेंट हैं, ये बात समझो कि mg नीचे है, तो एक कंपोनेंट इसका इधर हुआ और एक कंपोनेंट इधर हुआ, अब मतलब आप ऐसा बना लो कि परपेंडिकुलर लगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगना चाहिए ना। तो अब ये थीटा है, जरा सोचो ये थीटा है तो ये एंगल कितना हुआ, इस चीज को मिला लो और इसको भी मिला लो, तो ये थीटा, तो क्या ये भी थीटा हुआ इधर भी, तो ये एंगल कितना हुआ बताओ? 90 माइनस थीटा। तो ये कितना हुआ, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है ना, थीटा हो गया, तो ये थीटा हो गया। अब जरा देखो ये थीटा हो गया, तो mg का इधर का कंपोनेंट, जो स्टेप ना समझ में आए आप पूछ लो, हम अच्छे से क्लियर कर देंगे। हम कुछ चीज़ें ये सोच के चलते हैं कि आपको पता है, कोई भी छोटी से छोटी भी चीज़ पूछ लो, mg है, ये थीटा है, तो क्या लिखें? mg cos थीटा। ये समझ में आया क्यों लिखा? क्योंकि आप नहीं तो देख के भी कर सकती हो, mg है, इसे थीटा है, अब हमें ये चाहिए ना ये फोर्स, तो इसे एक्स ले लो, तो देट इज कॉस थीटा इज एक्स बाई हाइपोटेनियस, तब भी तो समझ में आती है बात कि नहीं। तो एक्स क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा हुआ कि नहीं भाई, कॉस थीटा साइन थीटा पे तो सीधा फार्मूला लगता है, ये समझ में आई बात? ये क्या हुआ, तो एम जी साइन थीटा लिखो यहाँ पे, क्या एम जी साइन थीटा ये अलोंग द प्लैंक लगने वाला फोर्स है? लेकिन इस मोशन को इम्पेंडिंग कौन रख रहा है, क्या ये एफ एस मैक्स इसको इम्पेंडिंग रख रहा है, अगले ही पल ये मूव कर जाएगा? बोलो ये बताओ कि एफ एस मैक्स किसके इक्वल है, क्या एम जी साइन थीटा के इक्वल है? एफ एस मैक्स को क्या म्यू एस एन लिख सकते हैं? ऊपर से एफ एस मैक्स हमने क्या कहा था, इट इज प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या चीज कही गई कि स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम की वैल्यू किसके इक्वल होती है, इसके इक्वल होती है कि नहीं? नहीं तो म्यू एस बदल जाएगा, म्यू एस भी नहीं बदलता, म्यू के भी नहीं बदलता, ये ना सोचो कि म्यू एस बदलता है, म्यू एस एंड म्यू के आर फिक्स्ड फॉर एनी पेयर ऑफ सरफेसेस। समझ में आई बात कि नहीं, ये लिख देते हैं म्यू एस एंड म्यू के क्या है, आर फिक्स्ड फॉर एनी पेयर ऑफ सरफेसेस। अगर उनका वजन ज्यादा होगा तब क्या म्यू एस म्यू के बदल जाएगा कि तब भी नहीं बदलेगा? बोलो आइए, हाँ, जैसे मान लो यहाँ एक छोटा सा एक बैग गिरा रही हो, उसी तरीके का बोरा है, और भारी बोरा आ गया, तब वो भी फिसल जाएगा क्या? वजन से तो नहीं फर्क पड़ा ना, ये थीटा टेन थीटा पे आ रहा है ना, ये इसमें कहाँ मास आया, मास तो कट गया ना,
बताओ, छोटे बोरे बड़े बोरे अगर चार आदमी गिरा रहे हैं तो सब गिरते चले जाएंगे उसमें फिसल फिसल के, कि कोई ऐसा होगा कि अरे ये तो भारी बोरा अब नहीं फिसलेगा, कि फिसल जाएगा। चलो अब हमने ये म्यूएस लिख दिया, ये समझ में आई बात, हमने इसकी जगह फार्मूला लगाया। अब दूसरा पेयर क्या बन रहा है, एक मैंने इसके एक्सिस के अलोंग लिया, इसको इससे कंपेयर किया, क्या ये अपोजिट फोर्सेस हैं? और क्या इसमें ये रेस्ट पर है, इसमें कोई मोशन नहीं हो रहा, तो फिर ये बैलेंस फोर्सेस हुए। और बैलेंस फोर्सेस हुए तो देखो इक्वेट किया कि नहीं, एफ एस मैक्स को इसके इक्वेट किया, क्या ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो आप किसको किसके इक्वेट करोगे, n इज इक्वल टू mg cos थीटा लिखो। अच्छा अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, म्यू एस n बाई n, क्या mg sin थीटा बाई mg cos थीटा, n से n गया तो इससे क्या पता चलता है कि म्यू एस क्या हो गया, क्या tan थीटा। क्या तुम घर में बैठे बैठे तुम्हारे पास कोई दो चीज हो तो उनके बारे में पता कर सकती हो कि इस इन दोनों के बीच स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, बस ऐसे फिसलाओ और देखो कब फिसलता है कब नहीं फिसलता है, और जब फिसलने लग जाए एंगल देख लो। बोलो घर बैठे बैठे कर सकती हो, क्या ये तुम्हारे हाथ की बात है? कोई भी दो ले लो, रबर ले लो, इरेजर ले लो, कुछ ले लो, इसके लिए कहीं जानने की जरूरत नहीं है, ये बस ऐसे ही निकाला जा सकता है किन्हीं भी दो पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए, इट इज वेरी सिंपल। तो अब समझ में आ गई बात आपको, बताओ। अच्छा अगर समझ में आ गई है तो हम लोग अभी एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको फोर्सेस के बारे में पता चल जाए कि फ्रिक्शन का पोर्शन हमने आपको करा दिया है। अब आगे आइए 5.7 पे, एग्जांपल 5.7। जस्ट एक मिनट, ये इंक खत्म हो गई। तो 5.7 में क्या कह रहा है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन इन विच बॉक्स। तो अगर मान लीजिए ये ट्रेन है और ट्रेन हम पूरी नहीं बना रहे, बस ये बॉक्स है, इसके ऊपर ट्रेन होगी, हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है ट्रेन से, बट ये ट्रेन आगे चल रही है, तो अगर इसको तुम धीमी रफ्तार से करोगे तो ये साथ साथ चलेगा, और लेकिन अगर बहुत तेज करोगे तो गिर जाएगा, क्या बहुत फास्ट एक्सीलरेशन, धीमे धीमे चलाओ तो चलता रहेगा। तो कह रहा कि अब देखो कि जो भी आपका फोर्स होगा तो फोर्स में ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ना चाहेगा कि नहीं, इसी पे तो फोर्स लग रहा है, फोर्स ट्रेन पे लग रहा है ना, तो बॉक्स किधर जाना चाहेगा, बॉक्स अगर हम तो नहीं जाते, हम तो इनर्शिया पे हैं, हम क्यों जाएं, तुम जा रहे हो तो जाओ, तो ये पीछे जाना चाह रहा है, जब ये आगे चलेगी ट्रेन तो ये कहाँ जाना चाहेगा, पीछे, लेकिन फिर भी जो बस में सामान है वो वहीं रहता है, पीछे नहीं जाता है, तो इस पर फ्रिक्शन है जो इसे पीछे नहीं जाने दे रहा। अगर बिल्कुल तेल डाल दो इसमें, बहुत सारा ऑयल, और ये आगे जाए तो क्या फिसल के ये यहीं रहेगा और बस आगे निकल जाएगी और ये गिर जाएगा, तो इसका मतलब है इस फ्रिक्शन ने इसे होल्ड करके रखा है। तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन इस पर लग रहा है, ये इनर्शिया की वजह से पीछे जाना चाह रहा था, लेकिन फ्रिक्शन कहता नो यू कैन नॉट गो। फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, क्या रिलेटिव मोशन को रोकता है, तो उसे उसने नहीं जाने दिया, तो है ना ये फ्रिक्शन फोर्स, इस ऑब्जेक्ट पर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, बट वो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स, अब ये ऑब्जेक्ट है इसका कुछ मास भी होगा, हल्की भी चीज हो गई, बहुत मोती गिरी हो तो वह मोती पीछे चली जाए, लेकिन एक बड़ा सामान रखा है तो नहीं जाएगा पीछे, बड़ा भारी चीज है ट्रेन में तो नहीं जाएगा, और हल्का सा एक रैपर है तो वह पीछे उड़ जाए। तो यहाँ कहने का मतलब है कि इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, ये है फ्रिक्शन फोर्स, सो दैट इज एफ एस, एफ एस मैक्स के केस की भी तुलना कर सकती हो, एफ एस मैक्स लिख लो, वो ज़्यादा अच्छा है, बुक में भले ही ना लिखा हो,
तो क्या ये म्यूएस है ना, बताओ। अच्छा एफ एस मैक्स इस पर म्यूएस एन है, म्यूएस एन। अब जरा देखो, या फिर ये भी कहा जा सकता है इट इज इक्वल टू म्यूएस एम जी है बात की नहीं, और यहां पर एफ एस मैक्स इज म्यूएस एन, बट एफ एक्स मैक्स मैक्स इज ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, हु इज कॉजिंग एफ एस मैक्स, यानी जो एफ एस है मैक्स जिसके बाद ये चलने लगेगा, तो मैक्सिमम लिमिटिंग केस पूछ रहा है, तो इस फोर्स की वजह से तो है, फोर्स ना लग रहा होता तो ये अपनी आप जगह रहती, फोर्स लगेगा, हु इज गिविंग इट एफ एस मैक्स बताओ, जब आप खींच रही हो उसी की वजह से तो एफ एक्स मैक्स लग रहा है, तो मैं एफ एक्स मैक्स की जगह क्या एफ लिख दूं, फोर्स ना हो तो चलने लगे, अब एफ को क्या लिख दूं, क्या एम ए, क्या ये कट गया, तो फिर एक्सीलरेशन क्या हो गया, ये एक्सीलरेशन मैक्स भी लिख सकती हो, जैसे एफ एक्स मैक्स है तो फोर्स मैक्सिमम, फिर ए मैक्स दैट इज इक्वल टू क्या म्यू एस जी, तो बताओ ट्रेन और बॉक्स के बीच में क्या कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है, अब हमें क्या चीज पूछी गई है, या सब कुछ दिया है, म्यू एस दिया है 0.15 और जी की वैल्यू कितनी दी है 10, तो कितना एक्सीलरेशन चाहिए, अगर इस स्पीड से एक्सीलरेशन दिया जाए गाड़ी को, तो मालूम है जो ऊपर के रखे हुए बक्से हैं ट्रेन में सब सर के ऊपर गिरे लोगों को, ट्रेन को अगर हर सेकंड इतनी एक्सीलरेशन मिलती जाए, तो ये बात जो लोको पायलट है, लोको पायलट का मतलब ट्रेन का ड्राइवर, उसको इस सलाह दी जाती है कि इसके ऊपर ना जाना, नहीं तो लोग मर जाएंगे ट्रेन के अंदर, बोलो समझ में आई बात कि नहीं, बताइए दिस हाँ या नहीं, कि फिर से बताएं, आवाज तो नहीं आ रही है आपकी, बट दिस इज आई टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस, ओके, दिस इज मैक्सिमम एक्सीलरेटिंग, समझ में आई बात की फिर से बताएं, आ रही आवाज, हाँ yes, बोलो समझ में आया, yes, आ गया ना, तो अभी इतना ही रखते हैं, yes, और दिस इज मैक्सिमम एक्सीलरेटिंग फोर्स विच कैन मेक द बॉक्स टू मूव, विच कैन मेक द बॉक्स टू मूव, तो अब हम अगले केस में, अगले क्लास में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, हमने फ्रिक्शन पढ़ लिया और हमने इनर्शिया पढ़ लिया, फ्रिक्शन भी पहले ही आया था नाइन्थ में, इसलिए हमने फ्रिक्शन पहले पढ़ लिया है, नाइन्थ के हिसाब से पढ़ रहे हैं, अब सेकेंड लॉ पे आएंगे, ओके okay?